नमस्कार। फेसबुक लाइव के आफ्टर कोरोना के इस भाग में आज हमारे साथ हैं मुंबई में टीवी कलाकार शोएब खान। शोएब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? शुक्रिया सर, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है कोरोना में, क्या स्थिति है वहां पर? अभी टीवी कलाकारों के साथ बड़ा एक संकट हो गया है और टीवी का जो नया प्रोडक्शन है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जी जी फिलहाल तो मैं अभी मध्य प्रदेश में था और अभी रास्ते में यूं क्लास पर आ रहा हूं। और मुंबई में तो वही है, शूट्स वगैरह बंद है और अभी कुछ शूट इस साल भी हुए थे बट चिंता वालों के वजह से बंद हो गया। तो क्या लग रहा है अब आगे, मतलब कब, कितना समय इंडस्ट्री इसको निकल पाएगी इस संकट से? वैसे तो कोशिश में है, बहुत जल्द शूट स्टार्ट हो जाएंगे, काफी सारे न्यू प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, पर ड्यू टू कोविड-19 आई थिंक सो कि जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि, लेकिन ऐसा भी है क्योंकि इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इससे, तो जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि शूट्स वगैरह स्टार्ट हो जाए और हम दर्शकों को अपने तरफ से जो भी हमारी हो हम वो दे पाए। तो यहाँ अब जो शेपिंग होगी कोरोना के बाद, इंडस्ट्री में क्या बदलाव आपको लगता है कि होंगे? बदलाव तो मेरे ख्याल से काफी कुछ होने वाला है क्योंकि वैसे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें तो आते जाते रहती है, पर हो सकता है इसकी वजह से कुछ और मूवीज बन सके, लेकिन ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा। जो हो रहा है इकोनॉमिक पे हो रहा है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इकोनॉमिक से जुड़ी हुई है, तो जो भी असर होगा इकोनॉमिक के साथ होगा। नहीं, जैसे कि कुछ अभी फिलहाल में कई वो सारे चैनल्स हैं, कई सारे चैनल्स पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन है, क्या उस प्रोडक्शन पर कोई विपरीत उल्टा असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता, ऐसा तो कुछ नहीं लगता, बाकी पता नहीं। शेव, अभी आपकी क्या व्यस्तताएं हैं? अभी फिलहाल में कोई देख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम है आपके हाथ में या थे जो कि कोरोना की वजह से अभी कुछ समय के लिए होल्ड हो गए? हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त तक अगर शूट स्टार्ट होते हैं तो वो भी हो जाएंगे, वरना पता नहीं क्या होगा क्योंकि शूट्स वगैरह ऐसे है कि हम जो भी कर रहे थे इंडोर कर रहे थे और कोशिश भी यही कर रहे थे कि जो भी करें और शूट करें, पर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आउटडोर बहुत जरूरी होता है, तो शायद तो स्टार्ट हो भी सकते और नहीं भी। अगर ये जाएंगे लंबे तो वही सितंबर अक्टूबर तक हो पाएंगे फिर। मतलब ये है कि कोरोना के बाद से जब रीस्टार्ट जब होगा, रीस्ट्रक्चर जब होगा कोरोना के बाद, तो इसमें बहुत सारे नए नवाचार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब अलग तरह का प्रोडक्शन पे शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो अब अगले एक साल डेढ़ साल तक रहेगी ही रहेगी, ऐसे में शूटिंग पर कितना असर पड़ेगा? शूटिंग पे भी काफी असर पड़ेगा, वो होगा यूं कि हम जो ऑडिशंस जो होते हैं तो वो जैसे हम ऑडिशन करते थे कि 200-400 एक साथ ऑडिशन देते थे एक के बाद एक 4-5 दिनों में, तो हो सकता है वो ना हो बल्कि जो कोई स्टार हैं और जो सिलेक्टेड हैं ऑडिशंस के सिर्फ उन जो आर्टिस्टों को हम दें शूट्स करने, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऑडिशन का तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऑडिशंस कर पाएंगे, बस बाकी तो सब ठीक ही। और शूट्स का जहाँ तक है तो इंडोर करेंगे और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स होंगे उसे फॉलो किया जाएगा और सिंटा की तरफ से जो ऑर्डर्स होंगे उसे फॉलो किया जाएगा, एम्बुलेंस वगैरह रखे जाएंगे शूट्स में और डॉक्टर्स भी रहेंगे वहाँ जैसा कि ऑर्डर है ऊपर से, तो अगर उस थ्रू अगर हम करते हैं तो फिर शूट्स जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं ऐसा तो लगता है, बाकी मुझे नहीं पता।
अच्छा, और बड़े कलाकारों से किसी से आपकी मुलाकात होती हो फिल्म के वगैरह के, उन प्रभावित नहीं होंगी? फिल्म तो हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन फिल्म तो आज नहीं तो कल रिलीज हो ही जाएंगी, पर जो जी जी छोटा पर्दा जो रोज कमाता था, रोज खाता था, उसका क्या? हाँ, उस पर भी काफी असर पड़ रहा है, शायद जैसे कि आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जहाँ तक सीरियल की बात है, तो जो वन डे टू डे कलाकार हैं, जो हमेशा महीने में 4 दिन 10 दिन जो काम करते, तो उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा इससे। और काफी सारी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कंपनीज हैं और संस्थाएं हैं जो आर्टिस्टों को मदद कर रही हैं, और जो स्पॉट दादा हैं, और भी जो आर्टिस्ट हैं, जैसे मेकअप दादा और वगैरह, तो वो सब भी इसके थ्रू बहुत कुछ उन्हें मिलेगा। बाकी जो मूवीज वगैरह हैं, तो जो भी शूट स्टार्ट होंगे तो वो होंगे, और जो पेंडिंग में है वो एज सून एज पॉसिबल कर सकते हैं रिलीज। बाकी बिकॉज 6 months तो सारे बंद हैं, तो बहुत जल्द मुझे नहीं लगता है कि रिलीज किए जाएंगे जो भी मूवीज पेंडिंग में है। तो जब सिनेमा स्टार्ट होंगे तभी वो सब रिलीज होंगे। फास्ट ट्रैक पर चल रहे थे, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके आपकी जानकारी जी में जो हो गए और वो रुक गए हैं और अब आगे अब शुरू चल रहे थे फास्ट ट्रैक पर, और अच्छा इस कोरोना की वजह से रुक गए, और अब उनके रीस्टार्ट होने की संभावना भी खत्म हो रही है, ये अनसर्टेनिटी है हाँ, उनमें? देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो पायलट शूट्स के थ्रू होते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट पास हो जाते हैं। तो वो प्रोडक्शन के ऊपर है कि अगर जो प्रोजेक्ट्स का उन्हें लगता है कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वो उसे स्टार्ट कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल, और अगर लगता है कि नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट्स पर इससे कोई असर नहीं होना है, क्योंकि ये तो एक कुछ वक्त के लिए रुक गया है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल इससे स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हम स्टार्ट करने वाले थे तो वो तो करेंगे ही। जी प्रोडक्शन की रेंज उतनी रहने वाली है कोरोना के बाद की? अगर आज 100 सीरियल या 100 प्रोडक्शन जो आउटपुट्स थे, क्या कोरोना के बाद भी 100 ही रहेंगे कि कुछ बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? नहीं, जो थे वही रहेंगे। और प्रोडक्शन तो ऐसे हैं कि जो काफी फेमस हैं और जो बड़े बड़े हैं तो वो तो रहेंगे ही, और जो कुछ छोटे प्रोडक्शंस हैं जो जैसे शॉर्ट्स मूवी वगैरह बनाते हैं, तो आई थिंक से कि वो लोग कुछ टाइम लेंगे, कुछ ब्रेक लेंगे, अपार्ट कर देंगे अपनी चीजों को। बाकी जो बड़े प्रोडक्शंस हैं तो उनका मुझे नहीं लगता। जी शायद मल्टी एक्टर्स जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें ज्यादा कलाकार होते हैं, उन प्रोग्राम्स को अभी फिलहाल में तो बहुत छोटे से सेटअप के साथ शूट किया जा सकना संभव था, लेकिन अब चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो फिर सेटअप भी बड़े लगेंगे, तो ये थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी क्या अब प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग की? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो वैसे भी 200 यूनिट होती ही है। तो पर ऐसा है कि अगर यूनिट कम कर देंगे हम, जैसे कि सिर्फ डायरेक्टर और आर्टिस्ट और कुछ जो मेन मेन मेकअप दादा लोग, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ कॉस्टली होगा। बिकॉज वैसे भी 200 यूनिट रहती ही है हमने, जब नॉर्मल डेज हम शूट करते हैं। तो अगर यूनिट हम कम करते हैं तो इससे कोई कॉस्टली हम पर ज्यादा फर्क नहीं मतलब ऐसा पड़ेगा। बहुत कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा बल्कि। जी 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 अच्छा कम हो जाएगा। शेब, जो हाँ जैसे अभी प्रोडक्शन में जो डिफरेंट डिफरेंट और दूसरे जो एसोसिएट्स होते हैं, मसलन मेकअप वाले हैं या जूनियर आर्टिस्ट हैं या सेट डिजाइनर हैं या अन्य 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 जो है अकोमोडेशन वाले हैं, अकाउंट वाले हैं या फैसिलिटी वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक जो पूरी टीम है, इनमें कोई जी जो है जॉब्स पर संकट आया है इन लोगों के? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। कोई जिनसे आप क्योंकि मिले ऐसा है, होंगे, उन जिनसे कुछ किसी से मिले होंगे, क्या उनकी उनको अभी फिलहाल में उनके पेमेंट्स ड्यूज किए गए हैं या उनके पेमेंट्स होल्ड कर दिए गए हैं या उनको कहा गया है कि हम 6 महीने अब इसको रीशूट नहीं करेंगे, आप अपना कोई और दूसरा काम देख लो, ऐसे कोई केसेस हैं आपकी नजर में?
नहीं, ऐसे कोई केसेस नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट है हमारी और जितने भी चैनल्स हैं और प्रोडक्शंस हैं, वो तो बल्कि जैसे हमारे ही ऐसा होता था कि हमें हर 3 महीने में चेक्स मिलते थे, और कई बार वो 3 से 4 5 महीने हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 4 महीने में चेक मिल गए और अगले महीने के भी मिल गए, यानी आपने जितने शूट्स किए थे, जो भी पेंटिंग आपने किया था, तो वो भी पैसे इन्वॉल्व उल्टा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, जी। इसकी अच्छा ही वजह हुआ, से ऐसे कोई संकट में नहीं आया है कोई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इसलिए दे दे रहे हैं क्योंकि वैसे भी काम वगैरह बंद है और शूट्स वगैरह भी बंद है, तो कहीं से कुछ है नहीं, तो इसलिए शायद इस पे हेल्प की जा रही है ताकि लोगों के पास सेविंग्स हो जाएं। कम से कम सर्वाइवल अभी इस बुरे समय में सर्वाइवल कम से कम कर सके। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके आपके कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स डिस्कस करना चाहेंगे आपसे, जी बिल्कुल। जिन पर आप कोरोना के बाद इमीडिएटली अपनी बॉम्बिंग करेंगे, अपना काम शुरू करेंगे, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स पर अभी काम कर रहे हैं? कृष्णा में आप सुदामा के रूप में दिखाई दिए, इसके बाद एक गैप क्रिएट है 3 महीने से, 4 महीने जी, से, तो अब नया क्या है श्रेयस के पास? कृष्णा वाला जो शूट था मेरा, जिसमें मैं सुदामा का रोल कर रहा था, सब देखा है, तो वो जनवरी के लास्ट तक खत्म हो गया था सीरियल। उसके बाद मैं बिलासपुर गया था, देन फिर मैं यहाँ आ गया। अब कोरोना के बाद है एक दो प्रोजेक्ट है, एक कमर्शियल है और एक माइथोलॉजिकल है, तो मैं उसके नाम तो नहीं बता पाऊंगा बिकॉज अभी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जैसा कि देखेंगे, मैं बस इतना बता पाऊंगा कि एक कमर्शियल है और एक माइथोलॉजिकल है। जी अच्छा, कोई बड़े पर्दे का, क्या कहा सर आपने? पर्दे की तरफ से भी कोई कोशिश है आप, बड़े पर्दे के लिए भी आपकी कोशिशें कोई कामयाब होने को दिख रही हैं? नहीं, अभी तो मेरी ऐसी कोई कोशिश भी नहीं है कि मैं कोई मूवी वगैरह करूं, और मेरा तो बस ये है कि फिलहाल मैं स्किल्स पे मेरा ज्यादा तवज्जो है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं 18-20 का हो जाऊं तब मूवीज वगैरह मैं ध्यान दूं। तो फिलहाल तो मेरे पास बस सीरियल है जो मैं कर रहा हूँ, और कंटिन्यूटी लीड है, और मूवीज पे मेरा अभी कोई ध्यान नहीं है। जी शुभ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब अच्छा हो, कोरोना के समय भी, कोरोना के बाद भी आपको बहुत काम मिले, बहुत अच्छा काम करो और बहुत नाम रोशन करो अपने पिता का, अपनी माता का और अपने शहर बिलासपुर का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने। भी। थैंक यू वेरी मच। तो ये रहे हैं कि टीवी इंडस्ट्री पर असर तो पड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल में टीवी इंडस्ट्री की एक खूबसूरती ये समझ में आती है कि ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, संबल दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी अपने आर्टिस्ट का पैसा नहीं रो दौर में। सही, हमारे मैनेजमेंट गुरु एन रघुरामन करीब 30 सालों से एक बड़े अखबार के अंदर मैनेजमेंट फंडा लिख रहे हैं और उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। आप उनसे सीधे लाइव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। कल ठीक 3 बजे होंगे हमारे साथ एन रघुरामन। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया।